दोस्तों ये प्रकृति बड़ी अजीब चीज है। कभी ये बहुत खूबसूरत नजर आती है तो कभी बहुत ही खतरनाक। प्रकृति में हर रोज हमें नई नई और अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं इतनी अद्भुत होती हैं जिनके बारे में सोचना हमारे लिए असंभव सा हो जाता है। आज हम आपको 7 ऐसी ही प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही शानदार थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। दोस्तों ये बादल देखने में ही बड़े अजीब लगते हैं, पर आप भी इन्हें देखना चाहते हैं तो ये दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां देखे जा सकते हैं, और वो है ऑस्ट्रेलिया के पास की गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये गोल बेलन के आकार के बादलों की लंबी चेन बनाते हैं। ये 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करते हैं और जमीन से सिर्फ 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन्हें रोल क्लाउड्स भी कहा जाता है। अब जरूरी नहीं कि आप एक ही रोल क्लाउड को देखें, हो सकता है कि आपको लगातार 10 रोल क्लाउड्स दिख जाएं। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल एयरफोर्स के पायलट्स ने इस प्राकृतिक घटना को सबसे पहले 1942 में देखा था। यहाँ पर होता यह है कि हर बार जब ये बादल हमें आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं तो असल में आगे की ओर एक नया बादल बन रहा होता है और पीछे से एक बादल नष्ट हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये चैनल लगभग डेड हो चुका है, इसलिए अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे नए चैनल हिंदी एडवेंचर्स को अभी जाकर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, द ब्लड रेन। ब्लड रेन या रेड रेन एक बहुत ही अद्भुत और अजीब प्राकृतिक घटना है। इसमें ऐसा लगता है मानो आसमान से खून बारिश के रूप में बरस रहा है। वैसे तो दुनिया की अलग अलग जगहों पर हम इस प्राकृतिक घटना को देख सकते हैं, लेकिन हमारे देश भारत के केरल में यह सबसे ज्यादा देखी जाती है। सबसे पहले 1896 में यहाँ पे ब्लड रेन देखी गई थी। सन 2001 में जब ये बारिश हुई तो केरल के लोकल लोगों ने सरकार को इसके बारे में बताया और इसकी वैज्ञानिक जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि जिस जगह पे ये बारिश सबसे ज्यादा होती है वहां पर हरे रंग की एल्गी बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है, जो हवा में कुछ पार्टिकल्स इमिट करती है और यही पार्टिकल्स बारिश के पानी को लाल रंग देते हैं। आखिर बार जून 2012 में ब्लड रेन को देखा गया था। उसी साल इस प्रकार की प्राकृतिक घटना को श्रीलंका के कुछ इलाकों में भी देखा गया था। पहले के समय में इसे अंधविश्वास की नजर से देखा जाता था और माना जाता था कि ये बुराई का प्रतीक है। इस दौरान लोग अपने घरों के अंदर ही रहना पसंद करते थे, लेकिन जब से इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण सामने आया है तो लोगों ने इसे एक अंधविश्वास के रूप में देखना बंद कर दिया है। अब जब ऐसा होता है तो आप लोगों को बाहर घूमते और इस दुर्लभ प्राकृतिक घटना का आनंद उठाते देख सकते हैं। नंबर 3, द ग्रेट ब्लू होल। दोस्तों द ग्रेट ब्लू होल असल में समुद्र के बीच बना एक बड़ा सा सिंक होल है जो अमेरिका के बेलीज शहर के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये होल आज से 15,000 साल पहले बना था। द ग्रेट ब्लू होल को प्रसिद्ध करने के पीछे ड्राइवर जाक कॉस्टेव का हाथ है। आज ये जगह दुनिया की 5 सबसे प्रसिद्ध डाइविंग साइट्स में से एक है। वैज्ञानिक शोध से ये पता चला है कि ये होल लाइमस्टोन की संरचनाओं से बना है जिसमें समुद्र का स्तर बढ़ने के बाद पानी भर गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये होल तब बना था जब समुद्र का जलस्तर काफी कम था, और जब ये जलस्तर बढ़ा तो इसने आज दिखने वाले इस विशाल आकार के ब्लू होल का शेप ले लिया। नंबर 4, द ब्राइट रेड लेक नैट्रॉन। ये अद्भुत झील अफ्रीका के तंजानिया में है। ये झील 57 किलोमीटर लंबी और करीब 22 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील का पानी बहुत ही चमकदार लगता है। लेक नैट्रॉन के पास एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यही कारण है कि इसके पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पानी में मिनरल्स और नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस झील के पानी का लाल रंग भी उसी ज्वालामुखी के कारण है, लेकिन नासा के अनुसार इस झील के पानी का लाल रंग इसमें रहने वाले हेलो आर्किया नाम के बैक्टीरिया के कारण है। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। इसका कारण इस झील का लाल पानी नहीं बल्कि यहाँ दिखने वाले पत्थर के जीव हैं। कई लोग मानते हैं कि इस झील का पानी जानवरों को पत्थर में बदल देता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसका कारण दूसरा है। होता यूं है कि इस झील के पानी का पीएच 10.5 है और ये बहुत गर्म भी है। जब कोई पक्षी इस पानी के संपर्क में आता है तो उसकी त्वचा पूरी तरीके से जल जाती है और पानी में मौजूद सोडियम कार्बोनेट की अत्यधिक मात्रा उस जानवर की हड्डियों को घेर लेती है। इस तरह हमें ये जानवर पत्थर की तरह नजर आते हैं। नंबर 5, द सेलिंग स्टोन्स। दोस्तों सेलिंग स्टोन्स को हम वॉकिंग स्टोन्स के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो ये दुनिया में कई जगह पे देखे गए हैं, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में इन्हें सबसे ज्यादा देखा जाता है। ये पत्थर अपने आप एक जगह से दूसरी जगह हिलते डुलते रहते हैं। इनके बारे में कई थ्योरीज प्रचलित हैं। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये पत्थर आखिर एक जगह से दूसरी जगह क्यों और कैसे जाते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि इन पत्थरों के हिलने का कारण यहाँ चलने वाली हवा है, लेकिन हवा चलने के कारण पत्थर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है और मुझे तो असंभव ही लगती है। इन पत्थरों के बारे में सबसे पहले 19वीं सदी में जांच पड़ताल शुरू की गई थी।
100 साल से भी ज्यादा समय तक तमाम वैज्ञानिक कोशिशों के बावजूद इनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। अभी हाल ही में 2014 में एक टाइम लैप्स वीडियो के द्वारा ये देखा गया है कि जमीन के नीचे बर्फ की परतों के हिलने के कारण ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। अब सोचिए इतना सा राज कितनी अद्भुत प्राकृतिक घटना को अंजाम दे रहा था। नंबर 6, द इटर्नल फ्लेम फॉल्स। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक छोटा सा झरना है जो अपने अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपाए हुए है। इसको द इटर्नल फ्लेम फॉल्स कहते हैं क्योंकि इसके बीच में 8 इंच लंबी आग हमेशा जलती रहती है। इसे हम साल भर जलता हुआ देख सकते हैं। कहा जाता है कि कई हजार साल पहले यहाँ रहने वाले आदिवासियों ने इसे जलाया था और तब से ऐसे ही ये जल रही है। इस फ्लेम के लगातार जलने का कारण इस झरने में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का होना है। हाल ही में हुए शोधों से पता चला है कि ये प्राकृतिक गैस यहाँ पाए जाने वाले राइन स्ट्रीट शेल नाम के विशेष पत्थरों से निकलती है। ये पत्थर जमीन से करीब 400 मीटर नीचे हैं। इस तरीके से ये झरने के अंदर एक गैस चेंबर बना देते हैं। कहा जाता है कि इस गैस चेंबर में दुनिया के सबसे ज्यादा इथेन और प्रोपेन की मात्रा है। रही सही कसर झरने का पानी पूरी कर देता है जो इस गैस को बाहर की ओर जाने ही नहीं देता और इस आग को हमेशा इसी तरह जलते रहने में मदद करता है। नंबर 7, डोर टू हेल। दोस्तों ये जगह तुर्कमेनिस्तान में है। डोर टू हेल असल में एक प्राकृतिक गैस फील्ड है जो ढह जाने के कारण ऐसी बन गई है। उस समय यहाँ काम कर रहे भूवैज्ञानिकों ने इससे लगातार हो रहे मीथेन गैस के रिसाव को रोकने के लिए इसमें आग लगा दी जिससे कि मीथेन गैस फैल न सके। कहा जाता है कि आग 1971 से आज तक लगातार जल रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ मौजूद मीथेन गैस ही आग के लगातार जलने का कारण है। इस गैस फील्ड के ढहने के पहले ऐसा माना जाता था कि एक गैस नहीं बल्कि ऑयल फील्ड है और इसे एक ऑयल फील्ड मान के ही यहाँ पे काम शुरू हुआ था। लेकिन जब वैज्ञानिकों को यह पता चला कि एक गैस फील्ड है तो उन्होंने जहरीली गैसों को आसपास के इलाके में फैलने से रोकने के लिए इन्हें यहीं जलाना बेहतर समझा। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि यह गैस एक महीने के अंदर जलकर खत्म हो जाएगी लेकिन आज करीब 50 साल के बाद भी गैस खत्म नहीं हुई है। आज ये जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है और सिर्फ 2009 से ही यहाँ 60,000 से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया की 7 अद्भुत प्राकृतिक घटनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हों तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।